कल अंशु के पापा आ रहे हैं, कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी। तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो। कोई बात देखा कि दुख नहीं देखा जा रहा यार। रुकी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। कल बहुत बड़ी यूट्यूबर है, एक बार देखा जाए तो कई चल जो है तो ठीक है। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने तुझे जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रह। और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। अब साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा। बहुत पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं, 1:30 बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल, हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं के ऊपर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती ना, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा, फिर वो कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूलूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे, नहीं करेगा कोई, नहीं करेगा मेरे को आपसे दूर कोई नहीं करेगा, मैं रह भी नहीं पाऊंगी। दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला, पर इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना। बिल्कुल मौत के बराबर थे, पूरा दिन हो गया, पूरा दिन हम ऐसे ही रो रो के दोनों। देखा कि दुख नहीं देखा जा रहा यार, उनके वीडियो देख के बहुत ज्यादा मुझे रोना आ गया। गिफ्ट किया था मैं, वो भी मांग रही थी, मेरी जो भी डेली यूज की पहनने की चीजें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी करनी है मेरा। हाँ चढ़ाए उल्टे दे दूं तू। हाँ काय को? क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को? तेरो काय को हमें बताइयो ना। क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है फिर? वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो? अच्छा ठीक है, तो मेरे सुई धागे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? खुद से खरीदे वरना ले जा। हाँ और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। हाँ ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है? लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। और रही बात देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो, मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है घर में भी, जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बेके वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी का जो अकाउंट का था मैं वो भी नहीं ले रही, जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही। मैंने अपने अकाउंट से दिए चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है मुझसे बात मत कर कि तेरा क्या है, तू मायके से थोड़ी लाई थी बच्चे, तू मायके से एक आंसू भी उनका टपका हो, या कहते ना कि बच्चा तुम लोग मत जाओ, हम ठीक रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है तुम जा रहे हो, ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हें ये चाहिए, अच्छा ठीक है बेटा हम तुम्हें दे देंगे। आप ठीक हूँ, पैक कर रही हूँ अपना सामान, और मैं सामान भी सिर्फ अपना अपना लेके जा रही हूँ जो मैंने मेहनत की अभी तक, कुछ भी इनका नहीं लेके जा रही हूँ। जैसे इन्होंने बोला है कि कोई हक नहीं है मेरा किसी चीज पे भी, वो सूरज जी का है
और वो तेरा कैसे हुआ, तू कौन सी मायके से लेके आई है। तो जो मैंने मेहनत की अब तक जितने भी सालों में, सिर्फ अपना मैं वही लेके जा, मैंने मीशो का है, ये भी प्रमोशन का है, ये सारे सामान मेरे प्रमोशन का है, बेड भर रहा है, ये है ये है, तो मैं सारा अपना लेके जा रही हूँ। इनका कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी, टॉवल तक भी होंगे ना इनके मैं ही छोड़ जाऊंगी, सारा कुछ मैं अपना लेके जा रही हूँ बस। तो इस वाली पोटली में ये सारा सामान आ गया, यारू की फ्रॉक है, ये मेरा सूट है, और जितना भी है सारा कोलैबोरेशन का सामान है। कुछ मैंने खरीदा है, ये डब्बे सारे मैंने खरीदते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, और वो मेरा स्विस ब्यूटी सारा जितना भी मेकअप का सामान आता है, और भी बॉक्सेस हैं। मेरी 4 साल की मेहनत ही इतनी है कि बहुत सारा मेरे ही खुद का ही इतना सामान हो गया। ये सारे अजमीरा फैशन के हैं, 8-10 लहंगे आए थे, तो काफ़ी सारा सामान है मेरा ही, अभी तो वो वाला भी नहीं रखा, नीचे वाले सारे खल गए। और जो भाई उनके हैं मैं निकालती जा रही हूँ, ये मम्मी की साड़ी है तो ये मैंने उधर रख दी है। पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं अपना पूरा सामान आज इस कमरे से ले जा रही हूँ जहाँ मैं शादी करके आई थी, और आज कुछ भी नहीं रहा, ना वो शादी रही, ना पति रहा, ना घर रहा, कुछ भी नहीं, सब ख़त्म हो गया। बहुत बुरा लगता है ये चीज़ कि इतनी सालों का मतलब रहना, और शादी के बाद ससुराल अपना घर होता है, पूरा सब ख़त्म हो जाएगा। मैं बच्चों की ड्रेसेस वगैरह हैं इसमें, बच्चों के कपड़े रखती थी मैं, तो कुछ पैक करती हैं इसमें, पैक करती हैं ये रहे, तो ये सारा भी अभी खिलाना है मेरे को। और इसमें भी बच्चों के विंटर्स के कपड़े हैं, ये मेरा जो भी मैं कोलैबोरेशन करती ना चूड़ा वगैरह का, ये सबसे पहले आए थे इंस्टाग्राम पे जब काम करती थी, एक एक ग्रीन वाला। और इनमें भी मेरी आरू के कपड़े हैं सारे, जो मतलब मैंने निकाले नहीं है, ये आरू के फ्रॉक वगैरह हैं सारे, इन डब्बों में रखे हैं। इसमें पैक कर रही हूँ सारे बच्चों के कपड़े, इस अलमीरा में से ये खाली कर दिए, और ये आरू की फ्रॉक वगैरह हैं जो हैवी हैवी फ्रॉक वगैरह हैं, एक बैग में पैक हो रखा है, एक ये हो गया, एक इसमें पैक हो गया, और कुछ इसमें बांध देंगे, बैग वगैरह सारे हैं नहीं, और कुछ कपड़े उसमें पैक हो गए। पैरदान मेरा है, मशीन मम्मी की थी, उनकी मतलब शादी वादी की जब भी थी, पैरदान मैंने खरीदा था, तो मैं पैरदान ले जा रही हूँ, मशीन नहीं लेके जा रही हूँ। सारा सामान पैक हो गया है, और ये रहा वो रूम जहाँ पे मस्ती खेलते अंजू में, बहुत सारी यादें इस घर में मैं आई थी शादी होके।